नो, तो हमारे चैनल पर फिर से एक स्ट्राइक आ गया है दोस्तों। दोस्तों ऐसे मेरे चैनल पर एक बार फिर आया था दोस्तों, सेकंड फिर स्ट्राइक आ गया है दोस्तों। सो दोस्तों स्ट्राइक क्यों आ रहा है मेरे पे, और पूरा आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है दोस्तों, और आपके चैनल पर अगर इफेक्ट पर कैसे पड़ता है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। मेरे चैनल पर सेकेंड स्ट्राइक आ चुका है दोस्तों। सो दोस्तों मेरा नाम विकास साहू, आपको हमारे चैनल टेक प्लस ज्ञान में स्वागत। YouTube के जब हम अपने रूल को तोड़ते हैं तो YouTube जो है हमें एक स्ट्राइक देता है, जिसे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कहते हैं दोस्तों। दोस्तों ये स्ट्राइक इस नाम से आता है जैसे हम YouTube के रूल को तोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल YouTube वीडियो को कैसे डाउनलोड करें, YouTube वीडियो आके कैसे डाउनलोड करें दोस्तों, इस सब का जो हम बनाते हैं वो YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के खिलाफ रहता है दोस्तों। दोस्तों मैंने अभी दो दो वीडियो अपलोड किया था इसी में कि YouTube से MP3 सॉन्ग कैसे डाउनलोड करें और YouTube से MP4 वीडियो कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों इस सब पर दोनों वीडियो मेरे YouTube से हट चुका है और ये दूसरा स्ट्राइक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों स्ट्राइक की वजह से दोस्तों मेरे चैनल से लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता दोस्तों, मैं ना कोई कम्युनिटी पोस्ट कर सकता हूँ, ना मैं कोई प्लेलिस्ट बना सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ दोस्तों, ना मैं स्ट्रीम कर सकता दोस्तों। ये सारा फीचर मेरे यूट्यूब से भी हटा चुका। आप टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं तो आपको स्ट्राइक मिल जाएगा। तो दोस्तों आप नहीं यूट्यूब के कोई लिंक को इधर उधर करने वाला, कभी इधर गूगल में जाकर ये इस तरह के दोस्तों आप कभी मत बनाना। मैं आपको अपना ओपिनियन दूँ तो दोस्तों आप में भी स्ट्राइक आ जाएगा। और दूसरा वीडियो तो रिमूव हो चुका है, उसके साथ दोस्तों मेरे चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों एक तो वीडियो रिमूव हुआ है तो उसका जितना भी व्यू मिला था वो पूरा घट जाएगा, और जो वॉच टाइम मिला रहता है उस वीडियो से वो सब यहाँ से दोस्तों आपकी आपके जो YT स्टूडियो में देखते हो या तो आपके चैनल से पूरा हट जाया रहता है दोस्तों। मैं अभी एक वीक के लिए ना ही कोई लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ, ना प्ले स्टेर, ना मैं अपना कम्युनिटी पोस्ट कर सकता हूँ दोस्तों। एक वीक के लिए मेरा चैनल अभी बंद हो चुका है दोस्तों, ना मैं कुछ पोस्ट कर सकता हूँ। और दोस्तों अगर ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक बता दूँ, ये आपके चैनल पर 90 डे के लिए रहने वाला है। हाँ दोस्तों 90 डे तक आपके चैनल पर रहेगा, उसके बाद दोस्तों आपके चैनल पर हटेगा नहीं, लेकिन ये आपके चैनल पर प्राइवेसी के रूप पर ये आपके चैनल पर हमेशा दिखेगा दोस्तों, आप केवल देख सकते हो उसको दोस्तों। और दोस्तों अगर इसी बीच में मैं एक और गलती कर देता हूँ इसी प्रकार से वीडियो करके यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को मैं तोड़ देता हूँ तो दोस्तों फिर से मेरे को स्ट्राइक आ जाएगा। तो ये स्ट्राइक दोस्तों जिस दिन से जो स्ट्राइक मिलेगा उस दिन से 90 दिन गिराएंगे दोस्तों। जैसे अभी मेरे चैनल पर दोस्तों स्ट्राइक आ चुका है, अब इसी बीच में फिर मैं एक गलती कर देता हूँ तो उस दिन से फिर 90 डे करके वो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर बने रहता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल पर कुछ इसी हाल है दोस्तों, मैं अब एक वीक के लिए अपने चैनल पर कोई कम्युनिटी पोस्ट ना लाइव स्ट्रीम कर सकता, सारा फीचर मेरे चैनल से हटा दिया है गाइस। तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता, देखते हैं एक वीक बाद अगर आ जाता है तो ठीक है। और दोस्तों आपके जो वीडियो, अगर मान लो आप यूट्यूब पर कोई गलती नहीं किए हो, उसके खिलाफ को आप नहीं टो रहे हो, तो आपको वीडियो वापस आ सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपील करने का ऑप्शन आता है, जैसे ही आपके कमेंट जो स्ट्राइक मिला रहता है आपके वीडियो पर, वहाँ जाओगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको अपील करने का ऑप्शन आता है। तो अगर आप अपील कर देते हो और तो आपके वीडियो वापस एक बार रिव्यू के लिए जाता है यूट्यूब पास, और आपका गलती नहीं रहता है कुछ, तो आपको स्ट्राइक को वापस ले लेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल पर अभी स्ट्राइक पूरा तरह से हो चुका है, ना वीडियो वापस आने वाला है। तो अगर तीसरा बार ये टूटेगा दोस्तों तो मेरे चैनल पर अब मेरा चैनल ही पूरा डिलीट हो जाएगा वाला है। दोस्तों ये सब मैंने गलती की है जिसकी वजह से मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक फिर से आ गया है दोस्तों। मेरे को लगा ये फन में आपको बताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसी गलती करते रहोगे तो हमें तो आपके चैनल कौन सा आएगा। तो दोस्तों बस दोस्तों ये वीडियो अर्जेंट था जो आपको बताना था। तो दोस्तों बस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।